हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। माय नेम इज़ कविता कौशल। इस वीडियो लेक्चर में हम जो पेपर डिस्कशन कर रहे थे, CSIR UGC नेट का जो पेपर है आपका इवनिंग शिफ्ट का 2023 का, उसमें बी सेक्शन के हमने 25 क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए। अब जो है, अब हम उसी पेपर के आपके बी सेक्शन के जो लास्ट के 25 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ये 25 क्वेश्चन जो है ये हम कर चुके हैं सॉल्व। अभी हम करेंगे 26 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज एजिंग। एजिंग की कैरेक्टराइजेशन की बात करें कि एजिंग किससे नहीं होगी, है ना, वो पूछ रहे हैं हमें। एन इंसुलिन IGF-1 सिग्नलिंग सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग लाइफ स्पैन। हाँ जी बिल्कुल, एजिंग में हम पढ़ते ही इसी सिग्नलिंग को, IGF-1 सिग्नलिंग को ये रोल प्ले करता है। तो दिस इज करेक्ट, हमें ढूंढना है नॉट कैरेक्टराइज। लाइफ स्पैन इंक्रीजेस ड्यू टू द रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये भी ठीक है। फ्री रेडिकल से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उससे लाइफ स्पैन रिड्यूस होता है, सेल डैमेज होता है ना बेसिकली। शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमेयर्स, ये भी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमेयर्स को भी पढ़ा जाता है, जो आपका एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है ये भी क्या है, एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल माइस विद अ म्यूटेशन इन IGF-1 एंड IGF-2 शोज रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन। अब देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि रेगुलेशन का अगर आपको पता हो तो यू शुड नो कि जो IGF-1 सिग्नलिंग है उससे लाइफ स्पैन क्या होता है, रिड्यूस होता है ना। तो यहाँ पे अगर आप इस सिग्नलिंग को बंद कर दें, म्यूटेशन है इसमें, तो लाइफ स्पैन क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। यहाँ से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन यूकैरियोटिक जीन्स DNA सीक्वेंस दैट डिफाइन जीन प्रमोटर्स आकर, कि जो आपके यूकैरियोटिक जीन में प्रमोटर के लिए जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो कह रहे ओनली इन द रीजन अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट साइट, ओनली इन द रीजन दैट रिप्रेजेंट द ट्रांसक्राइब पार्ट ऑफ द DNA, या फिर ओनली इन द रीजन डाउनस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, इधर इन रीजन अपस्ट्रीम और विद इन द ट्रांसक्रिप्ट साइट। देखिए आप ट्रांसक्रिप्शन से आपको पता होगा, जरूरी नहीं है कि जो प्रमोटर की सीक्वेंस है वो आपके जीन के विद इन ही प्रेजेंट हो, या अपस्ट्रीम हो डाउनस्ट्रीम हो, वो कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ओनली वाले तो सारे ऑप्शन आपके हो गए रॉन्ग, आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो सीक्वेंस है आपकी वो अपस्ट्रीम भी हो सकती है या फिर विद इन भी हो सकती है आपके, किसके, ट्रांसक्राइब रीजन ऑफ द जीन के, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहे इन कोऑपरेटिवली ब्रीडिंग स्पीसीज, जो स्पीसीज इकट्ठे रह के ब्रीड करती हैं, अंडर विच कंडीशन इज अ हेल्पर मोर लाइकली टू एग्जिबिट फाइलोपैट्री। पहले फाइलोपैट्री पता होना चाहिए। फाइलोपैट्री बच्चा होती है टेंडेंसी टू गो बैक टू द प्लेस जहां से वो पैदा हुए, मतलब है ना घर वापस जाने की टेंडेंसी बेसिकली, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो कह रहे कि कौन से केस में फाइलोपैट्री के चांसेस हैं, इफ अडल्ट सर्वाइवरशिप इज हायर फॉर ग्रुप मेंबर्स देन अ सॉलिटरी इंडिविजुअल। बस मिल गया आंसर, यही है इसका आंसर। कह रहे हैं कि अडल्ट की जो सर्वाइवरशिप है वो ज्यादा है फॉर ग्रुप मेंबर्स, कि अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो सर्वाइवरशिप ज्यादा है एज कंपेयर टू द सॉलिटरी इंडिविजुअल। अगर ऐसा है तो फिर वो घर जाएगा ना वापस, उसका जो फाइलोपैट्री का बिहेवियर है वो ना, उससे उसका सर्वाइवरशिप बढ़ रहा है, तो सर्वाइवर ही तो चाहिए स्पीसीज को। तो जो आपकी कोऑपरेटिव ब्रीडिंग स्पीसीज है वो इकट्ठा रह के, मतलब ऐसे होता है कि इसमें काम बांट दिया जाता है ना, तो वो क्या करेगी, वो वापस जो है अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाना चाहेगी, है ना। तो फाइलोपैट्री जो है वो किस में शो होगी, अगर जो सर्वाइवरशिप है वो इंक्रीज होता है इसको कोऑपरेटिवली रहने से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज प्रेजेंट स्पेसिफिकली इन द ऑर्डर ब्रैसिकेस। अब देखिए ये थोड़ा सा आपका कह लीजिए कि याद करने वाला क्वेश्चन है, फैक्ट है ये, ठीक है, या तो ये आपको पता है या आपको नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड भी किया जा सकता है। इसका आंसर है ग्लूकोसिनोलेट्स, ठीक है, ये पंजेंसी स्मेल होती है इनकी, बिटर टेस्ट के जो केमिकल्स हैं वो ये बेसिकली रिलीज होते हैं ब्रैसिकेल्स फैमिली से, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजो कंस्ट्रिक्टर, कौन सा इनमें से वेजो कंस्ट्रिक्टर नहीं है। देखिए यहाँ पे अब ये भी आपका एक फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन है, आपको ये पता होगा तो आप इसको आंसर कर पाएंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बेक्सिन ए, एंजियोटेंसिन, एंडोथेलिन, इसमें से जो आपका प्रोस्टासाइक्लिन है ये एक वैसो कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, प्रोस्टासाइक्लिन, बाकी सब है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइगेंड आइडेंटिटी एंड इफेक्टर डायनेमिक्स, लाइगेंड की आइडेंटिटी और उसका इफेक्ट क्या होगा,
वो आपका टिपिकली करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। फर्स्ट देखिए, स्पेसिफिसिटी ऑफ द रिसेप्टर डू नॉट डिटरमाइन इफेक्टर डायनेमिक्स। ऐसा तो नहीं है भाई, रिसेप्टर और लाइगेंड की स्पेसिफिसिटी तो मेन होती है सिग्नलिंग के लिए, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका, लाइगेंड एंड रिसेप्टर डू नॉट क्लस्टर एट द सेल इंटरफेस फॉर सिलेक्टिव इफेक्ट। ये भी नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स जब लाइगेंड है वो आपके रिसेप्टर के साथ बाइंड तो करता ही है, तो दे डू क्लस्टर, ये भी गलत हो गया। लाइगेंड कॉन्सेंट्रेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द एम्पलीट्यूड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द अडेप्टिव पल्स ऑफ द इफेक्टर एक्टिविटी। ये ठीक है कि लाइगेंड के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ड्यूरेशन क्या है अडेप्टिव पल्स ऑफ द इफेक्टर एक्टिविटी का, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफेक्टर डायनेमिक्स डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइगेंड इन्फ्लुएंस। क्यों नहीं भाई, ऑफकोर्स लाइगेंड पे तो डिपेंड करता है कि किस तरह का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑफ द टाइप DHA, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, वेयर DH आपका इज अ वीकली एसिडिक डोनर ग्रुप। ये जो है आपका, ये क्या है, डोनर ग्रुप है एसिडिक, एंड A इज द लोन पेयर, ये लोन पेयर वाला है, ये आपका है डोनर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं बियरिंग एक्सेप्टर एटम द DA डिस्टेंस, DA के बीच में डिस्टेंस बताना। अब देखो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो आपका एक्सेप्टर है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और जो डोनर है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से क्या होता है डिस्टेंस जो है वो बेसिकली कम होगा ना उनके बीच में, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि डी और एच जो है वो क्या है, आपके डोनर ग्रुप है और ए लोन पेयर है, और आपको डिस्टेंस बताना है डी और ए के बीच में, तो बेसिकली कम होगा ये डिस्टेंस, 1/2 टाइम द सम ऑफ द वैन डर वाल रेडियाई, नहीं जी, इक्वल टू द सम ऑफ द वैन डर वाल रेडियाई, नहीं, इक्वल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, लेस देन द सम ऑफ द वैन डर वाल रेडियाई एंड वाइस द सम ऑफ द वैन डर वाल रेडियाई, तो यहाँ पे आएगा लेस, क्योंकि उसमें क्या है जो लोन पेयर है उसमें उसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपके दूसरा हाइड्रोजन की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, फिर ओवरलैपिंग होती है ना, तो उसकी वजह से जो ये डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज लेस देन द सम ऑफ द वन टू वन रेडियाई, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, बेस्ड ऑन द रिपोर्टेड एस्टिमेट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्पीसीज। ये आपको टेक्सास दे रखे हैं, उसमें बताया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आपको है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो मतलब इंक्रीजिंग से शुरू होकर आप डिक्रीजिंग तक जाएंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा ये इजी सा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हमें पता ही है कि इन्वर्टिब्रेट्स में जब हम बात करते हैं तो इंसेक्ट्स का नंबर बहुत ज्यादा है, प्लांट्स की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म ज्यादा है ना। वैसे ही यहाँ पे एक और फैक्ट है कि अगर आपको ये पता होता कि फिश जो है, फिशेस जो है उनका नंबर मैमल और बर्ड से ज्यादा होता है, तो इसका आंसर आप कैसे निकल जाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसमें इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, दोनों को चेक कर लेते हैं, इंसेक्ट के बाद एंजियोस्पर्म यहाँ आएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया। वैसे तो एंजियोस्पर्म का नंबर ही ज्यादा होता है, ठीक है, और आप नीचे भी देख सकते हैं यहाँ पे फिशेस का आखिरी में दिया है, तो यहाँ से ये आपका रूल आउट हो जाता है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अ ट्री स्पीसीज हैज लीव्स दैट कंटेन्स एन एलिलो केमिकल कंपाउंड दैट लीचेज इनटू द सॉइल। मतलब ऐसा कंपाउंड है जो सॉइल में जा रहा है, और एलिलो केमिकल है मतलब नेगेटिव इफेक्ट डालेगा जो आसपास की ग्रोथ है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ इट्स ओन सीडलिंग। अच्छा, अपनी ही सीडलिंग को भी ग्रो नहीं होने दे रहा, ठीक है, तो उसके ट्री खुद तो वहां पे है, उसके जो सीड्स गिर रहे हैं उनको भी ग्रो नहीं होने देगा, तो उसके आसपास का एरिया कैसा रहेगा, क्लीन रहेगा। व्हाट काइंड ऑफ डिस्पर्जन पैटर्न इज लाइकली। अब देखिए अगर आपने मतलब ट्रीज ऐसे लगे हैं और आपस के जो उनके खुद के सीड है उसके लिए भी उसका एलिलो केमिकल क्या है, उसका एंटागनिस्टिक इफेक्ट डाल रहा है, तो मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस बन जाएगा उसके अराउंड, है ना, जहां पे कोई ट्री नहीं होगा, और तो आप किस तरह से कह सकते हैं। देखिए रैंडम तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है, क्लम तो ये होता है कि इकट्ठा इकट्ठा प्रेजेंट हो, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो अपने ही सीडलिंग्स को जर्मिनेट नहीं करने दे रहा। यूनिफॉर्म और बाइमोडल, बाइमोडल भी नहीं होगी, यहाँ से होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसी होती है, जो लाइन में लगाए होते हैं ना, कभी कभी हम देखते हैं ट्रीज ऐसे टीक के पेड़ है ना जो कल्टिवेशन करते हैं कि लाइन में लगाए हैं, तो वो एलिलो केमिकल्स की वजह से होते हैं, तो इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म डिस्पर्जन पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स करेक्टली डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप ऑफ द एनपीपी बाय जीपीपी रेशो। अब एनपीपी बाय जीपीपी क्या है, ये है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बाय द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आपको लैटिट्यूड के साथ देख के बताना है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको तीन ग्राफ, चार ग्राफ दे रखे हैं, एक में आपको इक्वेटर पे इंक्रीज दिखा रखा है, बाकी आपका डिक्रीज है, एक में यहाँ पे आपको ये डिप दिखा रखा है इक्वेटर पे, फिर ये देखिए इनमें से जो आपका ऑप्शन ए है
होता क्या है बेसिकली, जैसे जैसे आप इक्वेटर से जाते हैं लैटिट्यूड की तरफ, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो डिफर करेगी, वेरी करेगी, क्योंकि आपका जो सीजनल वेरिएशन है वो बहुत आती है ना। तो यहाँ पे आपका जो है बेसिकली जो एनपीपी बाय जीपीपी रेशियो है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डिप है और ये आपका बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है ना, दोनों साइड ही बेसिकली आपका डिक्रीज कर रहा है इस साइड को आते हुए। तो ये क्या है, दिस द ऑप्शन नंबर ए, जो ग्राफ है आपका ए ही ऑप्शन है, तो ये यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वापोरिन्स। अब एक्वापोरिन्स क्या है, बेसिकली वाटर चैनल्स है जिससे वाटर आपका पास करता है सेल के अंदर, है ना। तो यहाँ पे देखिए, दे आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द मेजर इंट्रिंसिक प्रोटीन फैमिली। हाँ जी, चलिए आपको ये नहीं भी अगर पता है कोई बात नहीं, ये तो पता है। दे आर एबसेंट इन बैक्टीरिया। लो जी, आंसर आ गया आपका। ऐसा नहीं है, जो आपके एक्वापोरिन्स है ये प्रेजेंट होते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये प्रेजेंट होते हैं, काफियों में होते हैं। आगे देख लीजिए, नहीं तो ये आपका गलत ऑप्शन है, आपसे रॉन्ग ही पूछा है। और भी चेक कर लेते हैं। हाईली कंजर्व्ड ये रीजन जो है आपका एनपीए ट्रायड रेसिड्यू प्रेजेंट इन द एन टर्मिनल हाफ ऑफ द प्रोटीन, ये सी टर्मिनल। यहां से बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि एक पे एन दे रखा है एक पे सी दे रखा है। होता क्या है बेसिकली, दोनों ही आपके साइटोप्लाज्मिक साइट पे होते हैं एक्वापोरिन्स के। जो एन टर्मिनल है वो भी साइटोप्लाज्मिक साइट पे होता है, जो आपका सी टर्मिनल है वो भी साइटोप्लाज्मिक साइट पे होता है, और बीच में आपके एनपी रीजन है, तो दोनों में ही होते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से आप रूल आउट नहीं कर सकते कि एक में सी रेखा है एन दे रेखा है, ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, ये जो आपका हाइड्रोफोबिक रीजन होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बनता है आपका बी, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर सैम्पलिंग दी टेरिडोफाइट्स टू स्टडी देयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अब सैम्पलिंग करनी है तो कौन सा अच्छा मेथड नहीं है, एड लिबिटम सैम्पलिंग, क्वाड्रेंट सैम्पलिंग, बेंच ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में तो ये होता है कि आप प्रोबेबिलिटी के बेस्ड कर रहे हो। ठीक है, जो क्वाड्रेंट सैम्पलिंग होती है इसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई एरिया वहाँ पे आप ऐसे इस तरह से क्वाड्रेंट हम करते होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में ये काफी कराया जाता है, एक्टिविटी होती है फील्ड में, क्वाड्रेंट लेके वहाँ पे देखो कौन कौन सी डाइवर्सिटी क्या प्रेजेंट है। और जो आपका बेल्ट ट्रांसेक्ट सैम्पलिंग है, क्वाड्रेंट में ही एक बेल्ट में आप देखते हैं, और इसको तो लॉन्ग टर्म में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सब मेथड जो है दे आर बेसिकली गुड वन, क्योंकि इन सब में आपको पता लगेगा सैम्पलिंग किस तरह से है। आप एक पर्टिकुलर एरिया में देखेंगे ना कि कौन कौन सी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, कैसे आपके कौन से टेरिडोफाइट किस तरह से प्रेजेंट है। जो एड लिबिटम सैम्पलिंग होती है ये है, इसमें क्या होता है कि आपको जो दिख रहा है बस उसको नोट करी जा रही है, कि आप कहीं गए फील्ड में आप बैठे हैं और वहां पे देखो, मान लीजिए आप बर्ड विजिटिंग के लिए गए, अच्छा ये बर्ड आ रही है आपने लिख लिया। लेकिन टेरिडोफाइट के लिए तो ऐसा नहीं, टेरिडोफाइट तो क्या है आपके हर जगह पे प्रेजेंट है ना, ये तो प्लांट्स हैं, तो आपको जाके देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं बैठ गए और वहीं से आप देख रहे, जो आपने देखा वो नोट कर लिया। एक एरिया के अकॉर्डिंग अगर आप मेजर करेंगे तो आपकी सैम्पलिंग ज्यादा बेटर होगी, है ना। तो ये जो है एड लिबिटम, ये जो है इट इज नॉट अ गुड मेथड फॉर सैम्पलिंग द टेरिडोफाइट्स बेसिकली। ठीक है, क्योंकि टेरिडोफाइट कैसे हैं आपके प्लांट्स हैं, स्टेशनरी हैं, एक ही जगह पे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ हेल्दी लीफ प्लेज मेजर रोल इन रिफ्लेक्टेंस इन द नियर इंफ्रारेड रीजन। अब देखो यहाँ पे जो आपका नियर इंफ्रारेड रीजन है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेंस किसमें ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बेसिकली टिश्यू पे डिपेंड करता है तो वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन टिश्यू टाइप कैसा है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, वाटर कंटेंट इन द लीफ, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल, कंसंट्रेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स, नहीं पिगमेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ द स्पॉन्जी एंड द पैलिसेट मेसोफाइल टिश्यू। ये सही है आपका, कि स्पॉन्जी टिश्यू है या पैलिसेट टिश्यू है उस पर डिपेंड करेगा कितनी रिफ्लेक्टेंस होगी, एक में ज्यादा होगी एक में कम होगी बेसिकली। ठीक है, तो इसकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे कंफ्यूजन इन दो ऑप्शंस में हुआ होगा कि वाटर कंटेंट ही तो है बेसिकली, लेकिन टिश्यू में है किस तरह से वो प्रेजेंट, अरेंज कैसे है, उस पे डिपेंड करेगा कि आपकी रिफ्लेक्टेंस कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि वाटर कंटेंट तो वेरी कर जाएगा टिश्यू के हिसाब से। नेक्स्ट है आपका, द कोल ईवन प्लाज्मिड हैज अ लो टू मीडियम कॉपी नंबर, हावर जो आपका पीयूसी 18 है विच इज ऑल्सो अ कोल ईवन प्लाज्मिड हैज अ हायर कॉपी नंबर। दोनों के कॉपी नंबर में फर्क है, एक का ज्यादा एक का कम है। ठीक है, तो जो कोलीवन का कम है वो क्यों है, रीजन पूछ रहे हैं। अब देखिए ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है इस प्लाज्मिड के बारे में तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते, अगर नहीं पता है तो यू कैन ऑलवेज अवॉइड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूटेशन होती है आरएनए एंटीसेंस आरएनए में, नहीं जी ऐसा तो नहीं होता। इट हैज अ म्यूटेशन इन द आरएनए टू प्राइमर फॉर एप्लीकेशन इनिशिएशन एंड डज नॉट कैरी द आपका रिप्रेसर ऑफ प्रोमोटर जीन। इट हैज अ म्यूटेशन इन ऑप्शन नंबर टू करेक्ट। टू ऑप्शन क्या है इसमें, कि इसके पास एक क्या होती है, पहले तो आपका म्यूटेशन है आरएनए टू में विच इज बेसिकली द प्राइमर फॉर एप्लीकेशन इनिशिएशन, और दूसरा इट डज नॉट कैरी दी
जो आरओपी जीन है आपकी, है ना, रिप्रेसर ऑफ मोटर जीन, इसमें प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये फैक्ट बेस्ड है, इसको आप अवॉइड कर सकते थे। अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने जिनका आपको अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तभी आप वहां पर रिस्क ले सकते हैं, ऐसे तो बिल्कुल गलत हो सकते हैं क्वेश्चन, तो ऐसे अटेम्प्ट नहीं करने। अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करेंगे आप। विच वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज नॉट डिजायरेबल वेन सेटिंग अप द नेचर रिजर्व इन द ट्रॉपिक। अब जब नेचुरल रिजर्व सेट करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में तो क्या आपको नहीं चाहिए वहां पे? रिजर्व दैट आर लिंक टू ईच अदर बाय द कॉरिडोर्स, दैट इज अ गुड थिंग, कॉरिडोर से लिंक हो तो अच्छा है, मूवमेंट होती है आपके डाइवर्सिटी की, मतलब आपके जो एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट पॉसिबल है। रिजर्व दैट आर सराउंडेड बाय अ बफर जोन ऑफ द सेम इको सिस्टम, ये भी ठीक है, बफर जोन हो तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द रिजर्व। सर्कुलर शेप रिजर्व, ये तो नॉर्मली होते ही सर्कुलर शेप रिजर्व है। हाई एच टू एरिया रेशो, यहाँ पे गलत हो गया। देखिए एरिया जो हाई एच टू एरिया रेशो नहीं होती, एच टू एरिया रेशो लो होनी चाहिए, मतलब आपका एरिया ज्यादा होना चाहिए, एज कम होना चाहिए। इस केस में तो आपका रिजर्व ऐसा बन जाएगा, मतलब आपका एज एज ज्यादा है और एरिया कम है, रिजर्व ऐसा होना चाहिए कि एज कम हो एरिया ज्यादा हो। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स लीडिंग टू फिनोमेना इंट्रोग्रेशन। अब इंट्रोग्रेशन पहले पता होना चाहिए तब आपको पता लगेगा कि इवेंट्स क्या होंगे। इंट्रोग्रेशन का क्या मतलब है, बेसिकली आपको क्या करना है, एक जो स्पीसीज है वहां से दूसरे में क्या करना है, ट्रांसफर करना है जेनेटिक मटेरियल। इस तरह से होता है इंट्रोग्रेशन कि एक से दूसरे में जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या, कैसे कर सकते हो आप, ये होता है आपका बैक क्रॉसिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाँ जी, पर ओनली नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, बैक क्रॉसिंग एंड स्टेबिलाइजेशन, हाँ जी ये है। कैसे करोगे आप, मिक्सिंग, बेसिकली इंट्रोग्रेशन मिक्सिंग ही है। आप क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करवाएंगे और उसके बाद उसकी बैक क्रॉसिंग करेंगे प्यूरिफाई करने के लिए, और फिर क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो ये आपका क्या है, इवेंट से अगर आपने इंट्रोग्रेशन करवाना है, ये भी अटेम्प्टेबल था क्वेश्चन, कर सकते थे इसको आप। नेक्स्ट, इन अ सेल मेम्ब्रेन द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एज कंटीन्यूअस डबल लेयर विद एन अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ, अरे रे रे, इतना आसान क्वेश्चन, ये आपका सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस का क्वेश्चन है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कितनी होती है, अराउंड 70 एंगस्ट्रॉम, अब वो तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है तो चेंज करो इसको, तो ये कितना बनेगा, 7 नैनोमीटर। ठीक है, तो अराउंड है ये, अप्रॉक्सीमेट है, तो 50 to 70 लगा लेते हैं हम, तो यहाँ पे मतलब 5 to 7, तो ये आ जाएगा ऑप्शन इसका। ठीक है, तो चेंज भी करना होता है यूनिट को, एंगस्ट्रॉम नहीं है तो आप नैनोमीटर में चेंज करके निकालें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल अप्रोच फॉर यू टू क्वांटिफाई द सीरम लेवल ऑफ द इंटरल्यूकिन 17। आपने इंटरल्यूकिन 17 का क्या देखना है, सीरम का लेवल देखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट क्वांटिफिकेशन इन द स्टैंडर्ड क्लिनिकल सेटिंग। अब यहाँ पे कहा है सैंडविच एलाइजा, हाँ जी सैंडविच एलाइजा करते हैं, क्वांटिफिकेशन के लिए सैंडविच एलाइजा किया जाता है। विद मोनोक्लोनल कैप्चर एंड डिटेक्शन एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी सेम एपिटॉप के लिए करेंगे तो स्पेसिफिसिटी नहीं ज्यादा अच्छी आएगी, स्पेसिफिसिटी तब आएगी जब आप डिफरेंट एपिटॉप्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन, फ्रैक्शनेशन ऑफ द सीरम, नहीं फ्रैक्शनेशन इसमें तो कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होगी, डायरेक्ट एलाइजा नहीं, सैंडविच एलाइजा विद मोनोक्लोनल कैप्चर, ये आपकी क्या हुई, स्पेसिफिसिटी भी इंक्रीज हो गई एंड डिटेक्शन एंटीबॉडीज अगेंस्ट दी डिफरेंट एपिटॉप, तो आपका जो रीजन है वो वाइड हो गया, डिफरेंट सारे एपिटॉप्स के लिए, डिफरेंट एपिटॉप्स के लिए भी आप चेक कर रहे हैं और मोनोक्लोनल कैप्चर कर रहे हैं सैंडविच एलाइजा से, तो ये आपका क्या है, बेस्ट मेथड रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू मी द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइटोहार्मोन ABA, आपका जो एब्सिसिक एसिड है उसके लिए करेक्ट पूछा है। हाई लेवल ABA प्रोडोमिनेटली प्रमोट्स विविपेरी, नहीं जी, जो विविपेरी है वो ABA की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, विविपेरी क्या है, बेसिकली जो आपके एक प्लांट के ऊपर ही दूसरे प्लांट की जर्मिनेशन हो जाए अगर, है ना, तो उसको बोल देते हैं विविपेरी यहाँ पे। और दूसरा दे रखा है कि ABA बीटा डी ग्लूकोसाइल एस्टर इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ द ABA, अब पूछा है करेक्ट, नहीं जी ऐसा भी नहीं है, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है, हम कॉन्जुगेट बनाते हैं इसलिए ताकि उसको इनएक्टिव फॉर्म में रख पाए, ये कॉन्जुगेटेड फॉर्म है जो एस्टर वाली है। तीसरा है आपका इनएक्टिवेशन ऑफ ABA इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन टू फैटी एसिड, हाँ जी ये तो चलो पाथवे में ही पता है आपको, है ना, अगर आपको पाथवे ही आता है इसका तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो इनएक्टिवेशन है उसमें क्या किया जाता है, फैटी एसिड। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, ABA बायोसिंथेसिस अकर्स एंटायरली, ऐसा भी नहीं है कि एंटायरली ब्लास्टिड में ही होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, टू एग्जामाइन द इन वीवो को लोकलाइजेशन पैटर्न ऑफ टू डिफरेंट प्रोटीन यूजिंग फ्लोरोसेंट लेवल एंटीबॉडीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोरोकोम विल बी अप्रोप्रिएट। अब देखिए आपको को लोकलाइजेशन करनी है लेकिन दो डिफरेंट प्रोटीन की है,
प्रोटीन्स किया फ्लोरोसेंट से कर रहे हो, मतलब एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा जो है आप उसको यूज करेंगे, क्लोरोक्रोम है। तो अगर आपका जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन है वो सेम ही अगर आप वेवलेंथ पे होता है तो नहीं कर सकते, मतलब वैसे दो क्लोरोक्रोम को आप यूज नहीं कर सकते जिनका एब्जॉर्प्शन इमिशन जो है बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सेम उस पर होता है, सेम वेवलेंथ पे होगा, क्योंकि फिर तो वो मिक्स हो जाएगा ना, सेम ही कलर देगा, आपको डिफरेंट कलर चाहिए। बेसिकली लेमैन लैंग्वेज में डिफरेंट कलर जो फ्लोरोक्रोम दे दो वो आपने सिलेक्ट करना है। वो कैसे पता लगेगा, देखिए यहाँ पे जो अलेक्सा 488 है और ये आपका CY5 अराउंड देता है आपका 649 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये दोनों पहले ही आंसर मिल गया आपको, ये क्या है अलग अलग, ये देखो ये 480 पे दे रहा है, ये 640 पे दे रहा है, कितना डिफरेंस है इनके एमिशन पे, तो कलर अलग होगा तो आप लोकलाइज कर सकते हैं। अब ये 480 है, ये अराउंड 470 होता है, ये भी सेम है, ये तो मैंने बताई दिया 649 है, ये भी सेम है, इन दोनों का भी सेम ही होता है, ठीक है, ये भी इतना ही होता है 494-80 तक। तो आपको अगर इस तरह से दिया आपका फ्लोरोक्रोम नहीं भी पता है तो अगर उसका यहाँ पे तो चलो एक का लिखा दूसरे का नहीं लिखा तो ये कंफ्यूज करने वाली बात है, लेकिन आपको बस ये देखना है कि अगर डिफरेंट है उनका वेवलेंथ तो मतलब आप को लोकलाइजेशन कर सकते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स की, क्योंकि कलर डिफरेंट आएगा दोनों प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लावरिंग रिप्रेसर जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट इन रैबिडॉप्स। सब ये तो फ्लावरिंग तो इतना पढ़ते हैं हम, है ना, पता ही है कि सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपका फ्लावरिंग लोकस जो सी है ये है जो वर्नलाइजेशन के उसमें इन्वॉल्व है, अगर आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा ये, ठीक है, FLC जो है आपका। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस इज नॉट करेक्ट। फोटोसिंथेसिस नॉट करेक्ट बताना है। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थायलाकॉइड करेक्ट है। ATP एंड NADH आर प्रोड्यूस्ड इन द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन करेक्ट है। ल्यूमन इज इनक्लोज्ड इंटरकनेक्टेड रीजन ऑफ द थायलाकॉइड रीजन थायलाकॉइड मेम्ब्रेन करेक्ट है। NADPH इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कार्बन रिएक्शन बाय द एंजाइम कार्बन रिएक्शन प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। नहीं जी, ये नहीं करेक्ट है, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में बनते हैं। तो ये क्या हुआ, डी, ऑप्शन डी, लाइट रिएक्शन के टाइम पे बनता है ना आपका एसिमिलेटरी पावर, तो ऑप्शन डी करेक्ट आपका गलत है यहाँ से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन डज नॉट अप्लाई टू सर्कैडियन रिदमिसिटी, जो आपका 24 आवर साइकिल जो है उसके बारे में पूछा है। अ प्रोसेस दैट कैन बी फाउंड इन द बैक्टीरिया, हाँ जी सही बात है, ये सभी में होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अ प्रोसेस डज नॉट, रॉन्ग देखना है, अ प्रोसेस दैट इज रिदमिक ओनली इन प्रेजेंस ऑफ द 24 आवर लाइट एंड डार्क, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका अगर आप दिन और रात में नहीं रहेंगे तो सर्कैडियन रिदम आपका वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो मेंटेन कर लेता है खुद को, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता कम्प्लीटली कि अगर आपकी 24 आवर लाइट और डार्क साइकिल नहीं चला तो आपका सर्कैडियन रिदम जो है वो खराब हो जाएगा, ओनली जो है यहाँ पे ये इसको ऑप्शन को गलत कर देता है, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। द प्रोसेस दैट कैन बी सिंक्रोनाइज्ड बाय एनवायरमेंटल साइकिल, एग्जैक्टली वही ना, ओनली सिर्फ वो नहीं है, बाकी भी एनवायरमेंट जो आपके फैक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोसेस दैट कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कॉन्स्टेंट डार्कनेस, हाँ ये है कि अगर आप प्रोलॉन्ग डार्कनेस में रहेंगे तो ये थोड़ा सा आपका सर्कैडियन रिदम पे इफेक्ट जरूर डालता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, अ कलर ब्लाइंड फादर हैज अ डॉटर हु इज ऑल्सो कलर ब्लाइंड। अब फादर कलर ब्लाइंड है और अब इसकी डॉटर है वो भी कलर ब्लाइंड है एंड हैज टर्नर सिंड्रोम। अब यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम है, एक्स नॉट होता है, मतलब एक ही एक्स है। द जीनोटाइप ऑफ द डॉटर इज ड्यू टू, अगर मदर है इसकी इस तरह से, ठीक है, एक्स तो एक है ही नहीं, तो मदर अगर नॉर्मल भी होंगे तो भी अगर इनमें XCY है, मतलब अगर एक तो यहाँ से आएगा ही आएगा, तो मतलब एक जो है एक्स आया ही नहीं मदर का। देखिए क्या होता है टर्नर सिंड्रोम में, एक्स नॉट होता है, मतलब एक ही एक्स प्रेजेंट है, दूसरा होता ही नहीं है, दूसरा नहीं है, तो एक तो आपका सी वाला, इसको टर्नर सिंड्रोम है ही इसीलिए क्योंकि फादर का एक्स जो सी है वो तो आना ही आना है, क्योंकि फादर से वाई तो आएगा नहीं, तो मतलब मदर की साइड से कुछ नहीं आया, तो मदर की साइड क्या हुई आपकी, नॉन डिस्जंक्शन, प्रॉपर डिस्जंक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो नॉन डिस्जंक्शन इवेंट इन द मदर, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, मदर की साइड से नहीं आया ना, तभी तो वो खाली रह गया, तभी इसको टर्नर सिंड्रोम हो गया सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीजनरेशन इन द हाइड्रा, रीजनरेशन करेक्ट पूछा है। फॉलोज ओनली स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, स्टेम सेल मीडिएटेड मॉर्फोलेक्सिस, सभी टाइप की होती है। हाइड्रा में सबसे अच्छी पढ़ते ही हम इसको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, अगर हमने दो चीजें हैं प्लेनेरिया और आपका हाइड्रा, जब रीजनरेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे सारी होती हैं ऑलमोस्ट, स्टेम सेल भी, रीजनरेशन, मॉर्फोलेक्सिस, एपिमॉर्फोसिस, ठीक है, ये टाइप ऑफ रीजनरेशन है, सभी होती हैं, ठीक है। तो दीज वर योर 50 क्वेश्चंस, ये आपके पूरे 50 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो
अगर आपको इनमें भी अभी कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ लगता है कि कोई आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहे या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन योर कमेंट्स एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। ये आपका बी सेक्शन जो है इवनिंग शिफ्ट के लिए अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो आपके वीडियोज होंगे अपकमिंग, उनमें आपको सी सेक्शन जो है इवनिंग शिफ्ट के लिए पहले उसके वीडियोज मिलेंगे, और नेक्स्ट जो आपका मॉर्निंग सेक्शन का भी, मॉर्निंग शिफ्ट का भी आपका जो पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। ठीक है, तो पढ़िए और लेट अस नो इफ यू नीड एनी हेल्प, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन द नंबर्स। आप रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे, वी प्रोवाइड ऑफलाइन एंड एज वेल एज ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पे। ठीक है, माय नेम इज कविता कौशल एंड आई टीच बायोलॉजी इन द इंस्टीट्यूट। आई होप दिस वॉज यूजफुल टू यू, तो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।